अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं बज़ बाइट्स के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान मसरूर कयूम। आज सेकेंड डे फेस्ट है, टूरिज्म फेस्ट ज़बरवन पार्क में। आज हमारे साथ एक ऑर्गेनाइज़र है, वाइड ग्लोब ऑर्गेनाइज़र है ये, जुनैद साहब। इनसे बात करेंगे टूरिज्म फेस्ट के बारे में। सर, आपका खैर मकदम करते हैं हमारी चैनल पर। मुझे टूरिज़म फेस्ट के बारे में बताइए। मैम, सबसे पहले थैंक यू आप यहाँ पर आए हमें कवर करने के लिए। ये टूरिज़्म फेस्टिवल एक्चुअली हर साल सितंबर 21 तारीख से 27 तारीख तक टूरिज़्म वीक होता है। ये हर साल मनाया जाता है। तो हमारा इनिशिएटिव 2021 से शुरू हुआ है और 2021 में हमने फ़र्स्ट टाइम टूरिज़्म फेस्टिवल शुरू किया था। और इस साल फिर से हमारी ये सोच रही कि इस बार दोबारा हम उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करें यहाँ पर। तो कल हमारा पहला दिन था, आप कल भी यहाँ पर थे। तो कल यहाँ पर अराउंड 12 स्कूल आए थे, 600 बच्चे थे जिन्हें आर्ट कॉम्पिटिशन किया जिसमें टूरिज़्म थीम था। और हमने लोगों को बताया कि टूरिज़्म कितना इम्पॉर्टेंट है। और हमने स्टॉल्स को यहाँ इंस्टॉल किया है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लोग आए हुए स्टॉल्स लगाए हुए हैं। और आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी आपने काफ़ी लोगों की चहल पहल यहाँ पे रही। लोगों ने खरीदो फरूद काफ़ी ज़्यादा की है, लोग पकवान खा रहे थे, कुछ मोमोज खा रहे थे, कुछ कश्मीरी वाजवान था एंड अदर थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कल्चरल शो भी हुआ है जिसमें हमारा कश्मीरी बांड पत्थर हुआ है, दमाली हुई है, गुजर डांस म्यूज़िक हुआ, रुफ हुआ। तो लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। तो आज दूसरा दिन है, आई होप कल तीसरे दिन संडे ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे। आज मौसम थोड़ा गर्म रहा, होप कल मौसम अच्छा रहे तो इट विल बी मच बेटर टुमारो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे साथ एक यंग यूथ है जिन्होंने अपना स्टॉल लगाया, जैसे कि आप देख रहे हैं आइसक्रीम शेक, सैलड, स्मूदीज यहाँ पे बेचते हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी खरीदो फरोख्त कैसी रही कल से। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। मुझे बताइए आपकी खरीदो फरोख्त कैसी रही कल से। पहले मैं तो आदाब करता हूँ आप सबका, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिन का स्टॉल था जिसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे जेके टूरिज़्म एंड इंडियन आर्मी। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पे यूथ्स को वो मौका दे रहे हैं ये सब करने के लिए, कि जितने यूथ्स जो जो टैलेंट है उनका तो वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो लोगों का रिव्यू भी बहुत अच्छा रहा और लोगों का जो यहाँ पे आ रहे हैं बहुत खुश हो रहे हैं यहाँ पे स्टॉल, ये चीज़ नई नई है कश्मीर में। तो ये बहुत अच्छा हुआ हमारे या गवर्नमेंट के एंड से, और हम भी उनके साथ जुड़े हैं। तो ये मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, ये सब होना चाहिए और आगे भी होना चाहिए। इससे क्या होता है, एक यूथ को एक बूस्ट मिलता है ताकि वो गलत कामों की ओर ना जाए, ये कर रहे हैं। और यहाँ पर 90% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है। मतलब हम लोग लड़के हो के ये नहीं कर सकते, लेकिन औरतें कर रही है ये भी, मतलब हमें, हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज़ है कि मतलब अब एक चीज़ है, मतलब गवर्नमेंट हमें अभी स्टेज दे रहा है यहाँ पे, हम अपना टैलेंट दिखाए लोगों को। तो उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके। खरीदो फरोख्त कैसी रही आपकी कल से। हम बहुत अच्छा भी नहीं बोलेंगे बट बहुत ख़राब भी नहीं है, ठीक है। जैसा यहाँ पे 3 दिन का, 3 दिन में तो बहुत एक शॉर्ट टाइम के पीरियड, लेकिन उस लिहाज के साथ बहुत अच्छा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ एक किड मौजूद है, जम्मू से है ये। इनसे पूछेंगे इनको इस टूरिज्म फेस्ट में आके कैसा लगा। हैव यू एंजॉयड हियर? यस, आई एंजॉयड अ लॉट हियर। एनीथिंग फॉर कश्मीरी पीपल्स? The environment here was so friendly and nice. And people? They are caring and good, nice people. Thank you so much. Thank you.